राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के इस मुंबई पड़ाव पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आशीष चौहान जी, ओम राउत जी, सुरेश जी बगेरिया, अतुल कुलकर्णी जी, अजय भामरे जी, मनीष शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस यात्रा के साथ आए हुए स्टूडेंट्स प्रतिनिधि, जो ग्रुप मुंबई में आया है, उसके सभी सदस्य जिनके घर पर वो निवास कर रहे हैं, ऐसी मेजबान परिवार और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हमारे सभी स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत खुशी है कि आप सील टूर के दरमियान मुंबई में आए और मुझे विश्वास है कि मुंबई का आपका अनुभव कई सुखद यादें आपके बीच छोड़ता हुआ जाएगा और जिन परिवारों में आप रह रहे हैं उन परिवारों के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में एक एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग तैयार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। एकात्मता होती है उसके बिना कोई राष्ट्र खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, एक जीता जागता स्वरूप होता है जो भावनिक एकात्मता के माध्यम से खड़ा होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सील टूर राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा एक प्रकार से ये भावनिक इंटीग्रेशन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावना और हमारे राष्ट्र के नागरिकों के प्रति हमारा प्रेम भाव, ये दोनों चीजें इससे बढ़ती हैं। और निश्चित ही मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय पद्मनाभ आचार्य जी यहां पर है, दिलीप जी यहां पर है, और इसको जब उन्होंने शुरू किया तो अभी उसका उल्लेख हुआ अहेड ऑफ टाइम। मैं ऐसा मानता हूं कि इट वॉज राइट टाइम टू डू इट, लेकिन उस समय सरकारों ने वो करना चाहिए था, सरकार नहीं कर पाई, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने उसको किया। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत विरोधी ताकतें और अंग्रेज मानते थे कि भारत के हमको टुकड़े टुकड़े करना है, पाकिस्तान बना, पूर्व पश्चिम पाकिस्तान बनने बांग्लादेश बना, लेकिन उसके साथ साथ इस देश के अंदर देश विरोधी ऐसी ताकतें तैयार हुई जो ताकतें धीरे धीरे इस देश के लोगों में जहर घोल रही थी, एक देश एक जन की भावना को समाप्त कर रही थी। हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है,
इस देश से हमारा कोई सारोकार नहीं है। इस प्रकार की भावना लोगों के बीच धीरे धीरे पैदा हो, इस प्रकार से कई लोग कार्य कर रहे थे, और जिसका धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो रहा था, समाज बिखर रहा था, देश में और नॉर्थ ईस्ट में भी अलगाववादी विचार बोए जा रहे थे, ऐसे समय इस सील की शुरुआत हुई। और मैं ऐसा मानता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन में सील ने पिछले 56 सालों में जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद का और सील का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट जैसा हमारा इलाका जो पौराणिक रूप से, पारंपरिक रूप से, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स जो भारत का हिस्सा रहा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, और अगर हम पुराने समय को देखें तो हम लोगों को हमेशा उस संस्कृति पर एक प्राइड रहा है। इस प्रकार की ये जो एकात्म इस प्रकार की संस्कृति थी, इसको बिखेरने का काम जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक कारण ये भी रहा कि हम हमारे नक्शे पर तो दिखाते थे, हमारे भाषणों में तो बोलते थे, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक, हमारा प्रेजेंस वहां पर जिस प्रमाण में होना चाहिए था वो नहीं था। और पहली बार जिस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री तैयार की। इससे पहले होता यह था कि नॉर्थ ईस्ट के नाम से पैसा निकलता था, लेकिन वहां पर लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता था। अटल जी की सरकार के जाने के बाद वो सिलसिला फिर शुरू हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एजेंडे पे सबसे वरीयता, सबसे टॉप पोस्ट जगह अगर किसी चीज को दी है तो नॉर्थ ईस्ट को दी है। आज हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, वहां सड़कें बनी है, वहां एयरपोर्ट्स बने हैं। नॉर्थ ईस्ट के मुझे याद है पहले जब सील के बच्चे आते थे तो उनमें से कई लोग पहली बार रेल देखते थे, पहली बार रेल में बैठते थे, क्योंकि रेल वहां थी नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट रेल पहुंच रही है। सारे विकास के जितने इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स पर पहली बार नॉर्थ ईस्ट को बड़ी वरीयता मिली है, और आज लोगों को बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और यह बदलाव एक नया इंटीग्रेशन तैयार कर रहा है, एक भावना तैयार हो रही है कि हाँ हम इस देश के, ये देश हमारा है, ये देश हमारे लिए कुछ करना चाहता है, ये कर रहा है, ये भावना आज तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कभी कभार कोई प्रधानमंत्री चले जाते थे, कभी कभार कोई मंत्री चले जाते थे, अब पता नहीं कितने बार मोदी जी वहां पर गए, इसका हिसाब नहीं है। और साथ साथ सारे मंत्रियों की ये ड्यूटी लगी है कि उनको नॉर्थ ईस्ट जाना ही पड़ता है, तो लगातार भारत सरकार का प्रेजेंस आज नॉर्थ ईस्ट में दिखाई पड़ता है। तो जो पैसा जाता है वो आज अंतिम व्यक्ति के विकास में वहां पर लगाया जाता है, और वहां का चित्र धीरे धीरे बदल रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये जो साजिश भारत को तोड़ने की कुछ लोग करते थे, आज धीरे धीरे हम उसको नाकाम कर रहे हैं। और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं उनके बहुत रिच इस प्रकार की परंपरा है, और बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत ही अलग प्रकार की ये सारी परंपराएं हैं। उन सभी परंपराओं को एक प्रकार से संजोते हुए,
जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी इस इंटीग्रेशन को हम कर पाएंगे, और इसी बात को हम लोगों ने समझा है। इसलिए मेरा विश्वास है कि जो एक बीज का रोपण सील टूर के माध्यम से हुआ था, और जैसे कुछ लोगों के नाम भी आशीष जी ने यहाँ पर लिए जो सील टूर के बाद देश की मुख्य धारा में बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रोल निभा रहे हैं, ऐसे ही आज इस इंटीग्रेशन को हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन को एक्सपीरियंस करेंगे, और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, ये बिल्कुल सही बात बताई कि एक दौर ऐसा भी रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को हमारी यूनिवर्सिटीज में चिढ़ाया जाता था, लेकिन उसमें भी विद्यार्थी परिषद ने अगुवाई की और वहां पर भी हमारे बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो इसका प्रयास किया। अब तो यूनिवर्सिटीज ने भी उसमें काफी अगुवाई की है, और एक प्रकार से माहौल भी ये बन रहा है कि देश के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ये अपने लगते हैं, और मुझे लगता है कि यही आज हमारे देश की आवश्यकता भी है, और इसी प्रकार से हमारे देश को हमें आगे भी बढ़ाना होगा। आज हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार से जो कॉम्पिटिशन्स होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे देश में कॉम्पीट करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो देश में बच्चों का एक बहुत बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो होता है जी का सारेगामा लिटिल चैंप्स, उसमें एक नॉर्थ ईस्ट की बच्ची 8-9 साल की जेटसन डोना लामा सिक्किम की शायद, उसने देश भर से आए हुए सभी को हराते हुए प्रथम स्थान वहां पर प्राप्त किया। और मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन आज हमको दिखाई पड़ता है ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि सील के माध्यम से आज राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा मुंबई आई है। हर साल वो आती है, बीच में कोरोना के कारण शायद थोड़ी खंडित हुई, लेकिन इसके बाद भी वो आती रहेगी। और मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे सील यात्रा के तहत आए हुए, उनको होस्ट करने का अवसर मुझे मिला था, और अगली बार फिर अगर अगले साल जब भी हमारे बच्चे आए तो मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा उप मुख्यमंत्री निवास है उस पर इन बच्चों को होस्ट करने का एक अवसर आप जरूर हमको दें तो बहुत खुशी होगी। फिर एक बार आए हुए सभी हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनके इस टूर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विद्यार्थी परिषद को शुभकामनाएं देता हूँ, सील के सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, मैं लातूर में था इसलिए मुझे आने में देरी हुई, उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ, और आपने आमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद योगेंद्र जी, मैं आभार व्यक्त करने हेतु मुंबई महानगर मंत्री ओमकार जी को आग्रह करता हूँ। ओमकार जी, नमस्ते सभी को। आज जो कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, ये कार्यक्रम की जो नींव है वो किसी साल पहले 16 ग्रुप्स 480 लोग और इन्होंने रखी गई थी। आज
ये कार्यक्रम करने हेतु जिन्होंने भी